हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। पंजाब में फिर धुंध छाई, जमीनी सफर मुमकिन न फजाई। लाहौर एयरपोर्ट बंद, मोटरवे पर हद निगाह इंतहाई कम। हाईवेज पर भी गाड़ी दौड़ाना नामुमकिन। आज से मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई। हुकूमत की मेहरबानियां, तमाम केस नजरअंदाज। डॉक्टर आसिम हुसैन को एक बार फिर सिंध हायर एजुकेशन कमीशन का सरबरा बना दिया गया, नोटिफिकेशन जारी। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत कितनी? सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को नोटिस जारी कर दिया। 30 जनवरी को खुद या वकील भेजने की हिदायत। को पकड़ कर लाओ, गिरफ्तारी सिंध पुलिस के लिए दर्दे सर बन गई। आईजी की अपील के बाद हसास इदारे एक्टिव। एसएसपी जुल्फिकार महर की भी कराची से इस्लामाबाद आमद। कराची में इंतजार के हादसाती कत्ल का दावा बेबुनियाद। छुपाई गई सीसीटीवी फुटेज 15 दिन बाद मंजरेआम पर। अहलकारों ने गाड़ी को घेर कर रोका, जाने की इजाजत देते ही गोलियों की बौछार। रिश्ते के तनाजे ने एक और जिंदगी छीन ली। कोहाट में फायरिंग से मेडिकल की तालिबा जान बहक। पीटीआई रहनुमा का रिश्तेदार मुलजिम फरार, मुकदमा दर्ज। जैनब कत्ल केस, शाहिद मसूद के इल्जामात पर नई जेआईटी बनाने का हुक्म। डॉक्टर साहब आपको जाने नहीं देंगे, मुल्जिम की पुष्पनाही और 40 अकाउंट्स का दावा साबित करना होगा, चीफ जस्टिस के रिमार्क। मुकाबला जाली होने के शवाहिद। कसूर की ईमान कत्ल केस में मुलजिम करार देकर मुदस्सिर की जान लेने वाले 6 अहलकार जेरे हिरासत। जेआईटी के सामने मुतजाद बयानात, मुकदमा दर्ज होने का इम्कान। मोदी का पागलपन, एलओसी पर एक साथ 4 महाज। शहरी आबादी पर बिला इश्तियाल फायरिंग से 2 खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी। पाक फौज का दुश्मन की चौकियों को निशाना बनाकर मुंह तोड़ जवाब। इलाके अफरीन में शदीद लड़ाई, तुर्क फौजियों और हामी जंगजुओं की पेशकदमी। अहम चोटी पर कब्जे के लिए जंग, उर्दवान को जल्द कंट्रोल हासिल करने का यकीन।
बुलेटिन का करेंगे आगाज धुंध से, जिसने पंजाब को धुंधला दिया है। फजाई सफर नामुमकिन हो गया, जमीनी सफर भी दुश्वार है। मोटरवे कई मकामात पर बंद, जीटी रोड पर भी सफर मुश्किल हो गया। लाहौर एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है, फ्लाइट ऑपरेशन भी मुअत्तल हो गया। गुजरावाला, नारोवाल, चीचा वतनी, खानेवाल, बहावलपुर में भी धुंध है। लाहौर से पिंडी भटिया मोटरवे शदीद धुंध के बायस बंद कर दिया गया है। फैसलाबाद, गोजरा, खानेवाल, मुल्तान मोटरवे भी बंद शदीद धुंध के बायस। जीटी रोड पर भी हद निगाह सिफर हो चुकी है। शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें, तर्जुमान मोटरवे पुलिस ने यह हिदायत जारी की है। गाड़ियों पर फॉग लाइट्स का इस्तेमाल भी किया जाए। आपको बताएं कि गाड़ियों पर फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करने की हिदायत जारी की गई है। गुजरांवाला, नारोवाल, चीचा वतनी, खानेवाल, बहावलपुर में धुंध है। ऐसे में लाहौर से पिंडी भटियां मोटरवे शदीद धुंध के बायस बंद कर दी गई है। यही नहीं, फैसलाबाद, गोजरा, खानेवाल, मुल्तान मोटरवे को भी बंद कर दिया गया है। शदीद धुंध के बायस जीटी रोड पर हद निगाह सिफर हो गई है और शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें, ऐसा कहना है तर्जुमान मोटरवे पुलिस का। असरार खान हमारा नुमाइंदे लाइन पर मौजूद हैं, उनसे लाहौर की सूरतेहाल जानते हैं। असरार, बताइएगा आप कहां पर हैं लाहौर में और क्या सूरतेहाल है फॉग की? जी, मैं इस वक्त लाहौर के बाबू साबू इंटरचेंज पर मौजूद हूं, जहां से मोटरवे का दाखिली रास्ता और ख़ारजी रास्ता है, जो कि शहर में दाखिल होने के लिए ये रास्ता इस्तेमाल किया जाता है और शहर से निकलने के लिए। शदीद धुंध की वजह से मोटरवे को बेशतर मकामात से बंद कर दिया गया है। हद निगाह सिफर होने की वजह से लाहौर से पिंडी भटियाँ, पिंडी भटियाँ से फैसलाबाद, फैसलाबाद से गोजरा तक मोटरवे को बंद किया गया है। जबकि मोटरवे पुलिस हुकाम का कहना है कि हाईवेज़ पर भी शदीद धुंध पाई जा रही है। लाहौर से अहमद शर्किया तक मुल्तान रोड पर शदीद धुंध पाई जा रही है, जिसकी वजह से शहरियों को आमदोरफ्त में सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बाज़ मकामात पर हद निगाह 50 मीटर से 100 मीटर तक पाई जा रही है, जबकि बाज़ मकामात पर हद निगाह 0 मीटर पाई जा रही है। ताहम मोटरवे पुलिस हुकाम की जानिब से शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र करने से गुरेज करने की हिदायत की गई है। फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत की गई है। शदीद धुंध की वजह से हवाई जहाज़ों और रेलगाड़ियों का शेड्यूल भी मुतासिर हो रहा है। शहर में सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हुआ है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात का कहना है कि धुंध का ये सिलसिला मजीद 2 रोज तक जारी रहने का इम्कान है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया असरार आपका। एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको दें, सिंध हुकूमत डॉक्टर आसिम पर फिर मेहरबान हो गई है। तमाम केसेस नजरअंदाज करके एक बार फिर उन्हें सिंध हायर एजुकेशन कमीशन का सरबरा बना दिया गया है। ये तकरीर वजीर आला की मंजूरी के बाद की गई है और नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। आपको बताएंगे डॉक्टर आसिम को 28 दहशत गर्दों के इलाज के मुकदमे में 26 अगस्त 2015 को हिरासत में लिया गया था। साबिक वफाकी वजीर के खिलाफ करप्शन के 2 केसेस हैं और आपको बताएंगे सिंध हुकूमत डॉक्टर आसिम पर फिर मेहरबान हो चुकी है। ऐसे में तमाम केसेस को नजरअंदाज कर दिया गया है। एक बार फिर सिंध हायर एजुकेशन कमीशन का सरबरा बना दिया गया है डॉक्टर आसिम को और तकरीरी वजीर आला की मंजूरी के बाद की गई नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। डॉक्टर आसिम पर जामशोरो ज्वाइंट वेंचर लिमिटेड में 17 अरब की खुर्द-बुर्द का इल्जाम है, जबकि 467 अरब की करप्शन का केस भी उनके खिलाफ जेरे समाअत है। डॉक्टर आसिम हुसैन सिंध हुकूमत की आंख के तारे बन गए। तमाम केसेस नजरअंदाज। जियाले रहनुमा को एक बार फिर बड़ा ओहदा मिल गया। साबिक वफाकी वजीर को सिंध हायर एजुकेशन कमीशन का सरबराह बना दिया गया। तकरीरी वजीर आला सिंध की मंजूरी से की गई नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। डॉक्टर आसिम को 28 दहशत गर्दों के इलाज के मुकदमे में 26 अगस्त 2015 को हिरासत में लिया गया था। साबिक वफाकी वजीर के खिलाफ करप्शन के 2 केसेस हैं। डॉक्टर आसिम पर जामशोरो ज्वाइंट वेंचर लिमिटेड में 17 अरब की खुद बुर्द का इल्जाम है, जबकि 467 अरब की करप्शन का केस भी जेरे समात है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की नाअहली की मुद्दत कितनी। आर्टिकल 62(1)(f) की 30 जनवरी को अहम समाप्त होगी।
नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को नोटिसेस जारी कर दिए गए हैं और ये हिदायत की गई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि खुद या फिर वकील को पेश किया जाए। आर्टिकल 62(1)(f) की समाअत होगी 30 जनवरी को, यह अहम समाअत है और नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को नोटिसेस जारी कर दिए गए हैं, खुद या वकील को सुप्रीम कोर्ट पेश होने की हिदायत की गई है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं लंदन में लॉर्ड नज़ीर अहमद की फ्री कश्मीर फ्री खालिस्तान मुहिम ने कश्मीरी और सिख कम्युनिटी के दिल जीत लिए हैं। फ्री आसाम और नागालैंड के इश्तेहारात जहां बरतानवी शहरियों में आगाही फैला रहे हैं, वहीं भारतीय हुकाम के भी होश उड़ा रहे हैं। आपको बताएं कि खालिस्तान, आसाम और नागालैंड समेत भारत में आज़ादी की तहरीकों से मुतालिक भी अवामी शऊर उजागर हुआ है। लंदन में लॉर्ड नज़ीर अहमद की फ्री कश्मीर फ्री खालिस्तान मुहिम ने कश्मीरी और सिख कम्युनिटी के दिल जीत लिए हैं। ऐसे में फ्री आसाम और नागालैंड के इश्तेहारात जहां बरतानवी शहरियों में आगाही फैला रहे हैं, वहीं भारतीय हुकाम के भी होश उड़ा दिए।